तेरे पति को भी जानता हूँ बड़ी को मैं, समझी? अगर लगाना पेड़ तो इलाज कर देना कहीं पर। नोएडा की सोसाइटी में एक महिला के साथ बदतमीजी करने वाला और अभद्रता करने वाला श्रीकांत त्यागी, नहीं नहीं गालीबाज श्रीकांत त्यागी, जी हाँ, इसे ऐसे ही संबोधित किया जाना चाहिए, क्योंकि इसने जो किया है वो एक महिला का सरासर अपमान है। किस तरीके से वीडियो में देखा जा सकता है कि इसने एक महिला के साथ बदतमीजी की, उसके पति को गालियां दी और उसे धक्का तक दिया, उसके साथ गाली गलौज की। लेकिन ये सवाल भी खड़ा होता है कि किस तरीके से आसपास जो लोग थे वो सिर्फ तमाशा देखते रहे और वीडियो बनाते रहे। हालांकि अब इस वीडियो के वायरल होने के बाद लगातार ये मामला तूल पकड़ता जा रहा है। पुलिस श्रीकांत त्यागी को पकड़ने के लिए लगातार दबिश दे रही है, लेकिन उससे पहले पुलिस ने अब तक श्रीकांत त्यागी की पत्नी समेत 4 अन्य लोगों को हिरासत में लिया है, जिसमें उसका ड्राइवर भी शामिल है। लेकिन इसी के साथ श्रीकांत त्यागी पर पुलिस का एक और शिकंजा कस गया है। जी हाँ, आरोप है कि श्रीकांत त्यागी ने अपनी गाड़ी फॉर्च्यूनर पर उत्तर प्रदेश शासन का लोगो फर्जी तरीके से लगवाया और उसका इस्तेमाल कर रहा था। यूपी पुलिस ने इसके खिलाफ भी मामला दर्ज कर लिया है और बताया है कि किस तरीके से श्रीकांत त्यागी अपनी गाड़ी पर उत्तर प्रदेश शासन का लोगो लगाकर उसका गलत इस्तेमाल किया करता था। देखिए, कल यानी 5 तारीख के दोपहर में सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें नोएडा के सेक्टर 93 की सोसाइटी में रहने वाला श्रीकांत त्यागी नाम का एक व्यक्ति एक महिला के साथ अभद्र व्यवहार करता हुआ पाया गया। मामला जैसे ही पुलिस के संज्ञान में आया, हम लोगों ने तत्काल अभियोग पंजीकृत किया और अभियोग पंजीकृत करने के बाद हमारी कई सारी टीमें इसको गिरफ्तार करने में लगी। अरेस्टिंग के क्रम में हम लोगों ने इस व्यक्ति के 4 अत्यंत करीबी लोगों को हिरासत में लिया, उनसे बहुत सारी जानकारी ली गई, पूछताछ चल रही है उन लोगों से। वहां पे 3 गाड़ियां थी, 2 गाड़ियां उसमें एमबी एक्ट के प्रोविजंस के विरुद्ध पाई गई, उनको सीज किया गया, और 1 गाड़ी जो फॉर्च्यूनर खड़ी थी उस पर उत्तर प्रदेश शासन के का जो राजकीय चिन्ह है उसका दुरुपयोग करता हुआ दिखा पाया गया, उसमें हम लोगों ने अलग से एक अभियोग पंजीकृत किया है। सोशल मीडिया पर जब से ये मामला उठा, तब से ही सोशल मीडिया पर ही भाजपा के बड़े नेताओं, यहाँ तक कि जिसमें योगी आदित्यनाथ भी शामिल है, उनके साथ श्रीकांत त्यागी की तस्वीरें वायरल होना, इसको लेकर लगातार विपक्ष भाजपा पर हमलावर है और श्रीकांत त्यागी को भाजपा का समर्थक और भाजपा का नेता बताया जा रहा है। ये भी बताया गया कि श्रीकांत त्यागी किसान मोर्चा से भी जुड़ा हुआ था, जिसके बाद ये बताया गया कि श्रीकांत त्यागी नाम का कोई भी व्यक्ति भाजपा से उसका कोई लेना देना नहीं। श्रीकांत त्यागी नाम का कोई व्यक्ति सोशल मीडिया पर किसी महिला से अभद्रता करते हुए नजर आ रहे हैं, ऐसा एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। मैं आप सभी को अवगत कराना चाहता हूं कि श्रीकांत त्यागी नाम का व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा का राष्ट्रीय कार्यकारिणी का मेंबर कभी न था न कभी है। उसका किसान मोर्चे से कोई वास्ता नहीं है। सरकार और कानून अपना काम करे, उसके खिलाफ उचित कार्रवाई, कानूनी कार्रवाई करे, ये हम चाहते हैं। अब एक के बाद एक श्रीकांत त्यागी पर शिकंजा कसता चला जा रहा है। महिला आयोग हो या पुलिस, लगातार श्रीकांत त्यागी के पकड़ने के लिए दबिश दे रही है और उसके बाद लगातार इसको पकड़ने के लिए यहाँ पर चक्रव्यूह रचा जा रहा है। लेकिन अब ये बातें, जो आरोप है कि वो भाजपा नेता है या उसके पास तमाम तरह की जो है वो सुख सुविधाएं थी, इसको लेकर खुलासे तो तभी हो सकेंगे जब श्रीकांत त्यागी पुलिस की गिरफ्त में आ जाएगा। बोला के स्टाफ को, तू 2 कोड़ी के गाड़ लेके तू फेर उखाड़ देगी यहाँ।